गाइस वेलकम टू एम लाइफ स्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ये देखें, अभी हम FC कॉलेज आए हैं। यहाँ से हमने जो है वो जाना है, पुप्पो वगैरह सारे आ रहे हैं, उनके साथ हम जाएंगे और कहाँ जाएंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो व्लॉग में जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जो है अभी कितने हुए हैं, 5:30 हुए हैं, ये चेक कीजिएगा टाइम। अभी 5:30 हुए हैं और अभी हम जो हैं वो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी कोई नहीं आया। पुप्पो वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग जैसे ही आते हैं तो बताते हैं। बस में हमने जाना है, वो लोग सारी फैमिली गाड़ी में होगी। अभी मैं आपको मामा को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है। उन्होंने अभी कॉल की है क्योंकि उन्होंने शायद हमें थोड़ा सा जल्दी का बता दिया था। हेलो, आज मैं पहली दफ़ा 5:30 पे उठी हूँ। और बताना नहीं है कहाँ जा रहे हैं अभी? नहीं नहीं, ये नहीं बताना। ले, और बड़ी खुशगवार सुबह है, बड़ी अच्छी लग रही है, सुबह की हवा, बड़ा मज़ा आ रहा है। और हम जा रहे हैं ट्रिप पे और आपको गाहे बगाहे अपने साथ साथ सारा कुछ दिखाते जाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपने पूछना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हुआ क्या हमारे साथ, कहीं आए नहीं। हाँ वो तो चलो कोई बात नहीं, अभी आ ही जाएंगे सारे। लेकिन चलो, वो जो हमारे साथ हुआ है ना प्रैंक, जिसको प्रैंक कहते हैं ना, वही टाइप कोई चीज़ हुई है हमारे साथ। तो बहरहाल ठीक है, मज़ा आ रहा है। बहुत सालों के बाद मैंने सुबह देखी है और बर्ड्स की भी आवाज़ें सुनी, बर्ड्स की आवाज़ें, हल्की हल्की हवा जो नहीं चल रही है। और हम अपने बच्चों को भी छोड़ के आए हैं। हाँ, हम अपने बच्चों को भी छोड़ के आए हैं। अब थोड़ी सी हवा ही है, खुदा का शुक्र है, बड़ा मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, ओके, आगे मिलते हैं। ये देख लें, वो देखें, उन्होंने भी ब्लैक पहना, मैंने भी ब्लैक पहना, हम ब्लैक ब्लैक बने हैं आज। हमने सिस्टर्स बन के कपड़े पहने हैं, ब्लैक ब्लैक। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। ये देखें गाइस, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, बस आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही। वेट करना बहुत मुश्किल है और टाइम क्या हो रहा है, 7:15 है। और आपको बता रहा था हम कब के आए हुए हैं। तो अभी हम जो हैं वो रुके हैं एक जगह पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख, ये हम रुके हैं वॉशरूम वगैरह के लिए और इसके बाद जो है दोबारा से हम जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अभी कुछ नहीं खा रही, मुझे भूख लगी हुई, लेकिन कुछ नहीं खा रही सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, मुझे वॉमिट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फिर ना ख़राबी हो जाएगी। तो होप सो मैं ठीक ही रहूँ और कुछ खा पी लूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे भी सिल्वर स्पून है, लिबर्टी में भी है ना सिल्वर स्पून, लाहौर में तो यहाँ पे भी है। नहीं नहीं, थैंक यू। ये देखिए फ्राई चिक्स भी है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत मोमेंट है, ये देखें, धुन धुन सी भी है ना, चेक करें, ब्यूटीफुल। थोड़ी सी ना हीट हीट सी भी है अभी, दूर जो है ना, दूर 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 देखे तो बहुत ना फॉग फॉग सी है, लेकिन यहाँ पे खड़े होके ना धूप है, धूप है, और थोड़ी थोड़ी सी जो है ना गर्मी सी महसूस होती है, हीट हीट सी होती है।
जिस्म पे जैसे लगती है ना हीट, ऐसे लग रहा है। और मुझे आ जाके बस यही है कि जो है ना मैं बस सही रहूं, कोई भी ना ख़राबी वगैरह ना हो और सफ़र अच्छा निकल जाए, इसलिए मैं कुछ खा पी भी नहीं रही हूँ। तो भूख भी लग रही है, अब ना मुझे कुछ खाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बेस्कोपैन कहते हैं कि बेस्कोपैन खाने के बाद जो है ना आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो बेस्कोपैन जो है ना वो मिली नहीं है, हम भूल गए लाना। और अपना आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मैं ठीक रहूँ। और मामा जो हैं, मामा अंदर ही बैठी हुई हैं, मामा बाहर नहीं हैं। मामा कहती नैनी आ रही, क्योंकि वो नींद में थी तो इस वजह से। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए इनका एक हाथ नहीं है लेकिन ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मेहनत, मेहनत करने वालों के लिए कोई भी चीज़ हर्डल नहीं होती, इससे हमें सीखना चाहिए। कैसा जा रहा है ट्रिप आपका? बहुत अच्छा मजा आ रहा है। हाँ बाय ना, बट दिल नहीं कर रहा ना। ये देखिए मेरा पसीना, मेरे पे बहुत पसीना, चेक करें। मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है अभी तक तो। ये हाल है, दो है टिशू। गर्मी जो है ना, आपको गोट दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे हमें गोट भी मिली है। हेलो हेलो फ्रेंड, व्हाट आर यू ईटिंग? कैसे ऊपर नीचे चढ़ लेती हो? मैं तो तबीयत खराब हो रही है, इतने घंटे हो गए हैं फ्रेंड। मामा कहाँ पे हैं? मामा कहाँ पे हैं? जी गाइस, तो फाइनली हम कितने बजे, 3:30 बजे पहुंच गए हैं, शुक्र है। और ज्योति मामा वगैरह थे वो 1 बजे से आए हुए हैं और हम 3:30 बजे पहुंचे हैं, ये देखें। और अब हिम्मत बिल्कुल नहीं है, जिसम में जान नहीं है। शुक्र है हमने अब रूम नहीं फाइंड करना, रूम हमारा पहले से डिसाइड है, बस हमने जाना है। बस थक गए बहुत ज़्यादा और हालत भी टाइट हो रही थी। बस अभी बस जा के लेटूंगी चेंज करके, शायद मैं चेंज ना भी करूं ऐसे लेट जाऊं।
व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इस तरह से, और ये जो कराटों की आवाज आ रही है, ये देखिए मेरे पापा सोए हुए हैं क्योंकि वो जल्दी आ गए थे और हम लेट आए। मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि उठ ना जाए। इनका बेड है, ये मामा का बेड है और ये मेरा।